भाई स्वाभाविक है, कौन सी नई बात है। जब आप ईवीएम पर 3 राज्यों में सवाल उठा रहे हैं तो फिर चौथे पे भी उठा ही लीजिए। फिर आप बोल दीजिए कि भाई तेलंगाना वाला भी रिजल्ट गलत है। ये सिर्फ जहाँ पे हम जीतते हैं वो सही होता है, जहाँ हम हारते हैं वो गलत होता है। ये बहुत ही डन टू डेथ वाला फॉर्मूला आपका अब हो गया है, बहुत रिपीटेटिव हो गया है। हर बार यही चीज़ करना चुनाव से पहले। फिर क्यों आप इतनी जोर शोर से आप चुनाव प्रचार में जाते हैं, जब आपको पता ही है भैया कि अगर ईवीएम आपका साथ नहीं देगी, जब आपको इतना ही विश्वास है तो फिर आप बोल दीजिए कि भैया हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। चुनाव से पहले इसको मुद्दा बनाइए ना, चुनाव के परिणाम आने के बाद, और वो भी उन्हीं राज्यों में सिलेक्टिव आप इसका क्रिटिसिज्म करेंगे। जिन राज्यों में आपकी हार हुई है उन राज्यों में ईवीएम खराब है, जिन राज्यों में आप जीते हैं वहाँ पे ईवीएम सही है। ऐसा होता नहीं है। आपको अपनी हार को समझना होगा, उसको पहले तो स्वीकारना होगा, उस पे मंथन करना होगा, समझना होगा क्या कारण है। क्या ये कारण नहीं है कि किस तरीके से आप ही के एक बड़े नेता जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने महिलाओं का अपमान किया। प्रधानमंत्री जी ने इस बात को हर सभा के मंच से उठाने का काम किया। क्या ये कारणों में से नहीं है कि आपने अनुसूचित जाति से आने वाले बड़े नेताओं का अपमान किया, इंक्लूडिंग माई फादर, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के जीतन राम मांझी जी, जो कि खुद दलित समाज से आते हैं। प्रधानमंत्री जी ने इन बातों को जनता के बीच रखने का काम किया। क्या ये कारण विपक्ष के नेताओं को दिखाई नहीं देता? क्या सनातन धर्म को जब समाप्त करने की आप बात करते हैं और आपके तमाम बाकी के सो कॉल्ड एनडी गठबंधन के तमाम घटक दल उस पर खामोश रहते हैं, क्या ये उन कारणों में से एक कारण नहीं है आपकी हार का? तो आपको समझना होगा कि क्या कारण है, और जब तक आप उन कारणों को समझेंगे नहीं, उसकी समीक्षा नहीं करेंगे और उसमें सुधार नहीं करेंगे, ये हार का सिलसिला इसी तरीके से विपक्ष का चलता रहेगा और ये बार बार ठीकरा ईवीएम पे फोड़ते रहेंगे। आईएनडीआईए गठबंधन की बैठक निर्धारित है, उसमें ऐसी खबरें आ रही हैं कि ममता बनर्जी नीतीश कुमार से कई बड़े नेता उसमें अनुपस्थित रहे। भाई देखिए, मैं तो शुरू से कहता आया हूँ कि इस गठबंधन का बनना नामुमकिन है। ये एक ऐसा भानुमति का कुनबा जो कि बनने से पहले ही धराशायी होता रहता है, और रिपीटेडली दिस हैज हैपेंड ओवर द इयर्स, वी हैव सीन दिस हैपनिंग बैक टू बैक। देखिए, जहां पे नेताओं की विचारधारा एक नहीं है सिर्फ महत्व अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए, जब ये दल एक साथ आने का प्रयास करते हैं तो वही महत्वाकांक्षाएं ना पूरी होने पर ये तुरंत एक दूसरे से अलग भी होते हैं। ये पुनः उसका उदाहरण देखने को मिला। ममता जी को जानकारी नहीं है या वो जानकारी लेना नहीं चाहती, वो ज्यादा बेहतर वो ही बताएंगी, पर मेरे मुख्यमंत्री इससे पहले भी इस गठबंधन की बैठक से वो अलग रहे। उन्होंने उस वक्त भी अपने प्रतिनिधि को वहां पे भेजने का काम किया, पुनः संभवतः वो प्रतिनिधि भेजे नहीं भेजे वो उनकी चिंता है, बट मुख्यमंत्री ये जान गए हैं कि इस गठबंधन का उनको जितना नुकसान करना था वो पहले ही कर चुके हैं। ऐसे में इस गठबंधन में उनका नेतृत्व किसी को स्वीकार्य होने नहीं वाला, यही कारण है कि मुख्यमंत्री अब बैकडोर से पुनः भागने का प्रयास कर रहे हैं।